और उधर चीन के कई शहरों में बाढ़ बारिश से लोग बेहाल हैं। ग्वांगडोंग हैनान में सैलाब से प्रभावित हैं कई लोग। शोगुआम में भी सैलाब ने मुसीबत बढ़ा दी है। दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखने वाले चीन पर कुदरत का क्रोध कहर बनकर टूटा है। बाढ़ बारिश की वजह से यहाँ हर ओर कोहरा मचा है। आंधी तूफान के बीच चीन के दक्षिणी तट में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को देखिए। कुदरत के आगे चीन इस कदर नतमस्तक हो जाएगा, उसकी ये झलक भर है। दक्षिण चीन सागर में संचालित होने वाला औद्योगिक जहाज तूफान से टकराने के बाद समंदर में डूब गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय जहाज में चालक दल के 30 सदस्य मौजूद थे, जिन्हें बचाने के लिए विमानों और हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया गया। रेस्क्यू अभियान में सिर्फ 3 लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका, जबकि 27 अभी भी लापता हैं। चीन के हैनान प्रांत में भी जावा तूफान के जबरदस्त तबाही मचाने के आसार हैं। 250 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाले तूफान को देखते हुए हैनान प्रांत में परिवहन से लेकर बंदरगाहों की सेवाओं तक को रोक दिया गया है। तेज हवाओं के कारण समंदर में तेज हलचले हो रही हैं, जबकि पानी के जहाजों को भी बंदरगाहों से बांध दिया गया है। एक तरफ तूफान की मार, दूसरी ओर बाढ़ का कहर। लगातार हो रही बारिश के चलते चीन का शोगुआन बाढ़ के पानी में डूब गया। सड़कें सैलाब बन गई हैं, मैदान समंदर बन गए हैं, घरों में पानी दाखिल हो चुका है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है।